हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर। मॉडल सेट से यही आप लोगों को फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी चैप्टर से लिए रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि किस क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस लेवल के पूछे जाते हैं। दोस्तों, मॉडल सेट अभी ज़्यादा ज़्यादा बनाइए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को सभी चैप्टर के सवाल जो है मिल जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पे मैं अपलोड कर दिया हूँ दोस्तों वीडियो में, और आगे आने वाले दिनों में काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं इस चैनल के मदद से। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह कोई वीडियो लेकर तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, वहाँ पर आप लोग को चैप्टर वाइज के साथ साथ 20-20 सब्जेक्टिव मॉडल सेट आप लोगों को मिलने जा रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक है, जाके डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे। पहला है कि R दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो बल समानुपाती होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को बार बार पूछा जाता है कि R दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो बल समानुपाती होता है दोस्तों, वो होता है 1/r² का। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं हम r^-2। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे 81 हो जाएगा, 1/r². ठीक है, ये भी आप लोगों को दिया जा सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r दूरी से दो विलग इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल का। ठीक है, तो 81 उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है, बीमीय सूत्र। तो विद्युत फ्लक्स का जो बीमीय सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है आपका m(l^3)t^-3)i^-1। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का B, m(l^3)t^-3)i^-1। ठीक है, ये विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है, तो याद रखिएगा 2 का सही उत्तर आपका B हो जाएगा। देखिए, कुछ कुछ ऐसे मतलब रहते हैं जहाँ पे आपको बीमीय सूत्र पूछ दिया जाता है, तो देख लीजिएगा एक बार बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र तब निकल पाएगा जब आप उसका सूत्र जानते होंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उस हिसाब से जैसे मात्रक निकलेगा तो आप बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तीन नंबर है दोस्तों, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि पी विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव जो है, पी देखिए विद्युत आघूर्ण है और ई जो है आपका विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो बल आघूर्ण जो होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका P×E। ठीक है, P×E हो जाएगा, दोनों का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का आपका A हो जाएगा। चार नंबर है दोस्तों कि एकांक आवेश को सम विभवीय सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। एकांक आवेश दिया है ना, तो मतलब 1 कूलम्ब आवेश को सम विभवीय सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य जो होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का C याद रखेगा, 0। ठीक है, किया गया कार्य होगा सम विभवीय सतह पर बोला जा रहा है ना एकांक आवेश को, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। चाहे आप x के दूरी पे यहाँ पे 100 मीटर या फिर 1 किलोमीटर जितना भी आप रख सकते हो, किया गया कार्य 0 ही होगा हमेशा। पाँच नंबर है दोस्तों कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता जो होती है वो कितना होती है। ठीक है, तो आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता की जो होती है, ये होता है आपका 0। तो यहाँ पे 5 का C उत्तर आपका 0 हो जाएगा, सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है दोस्तों। बोला जा रहा है कि आपको अगर 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, ठीक, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है, मतलब न्यूनतम। तो आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़े होंगे, प्रतिरोध है, धारिता की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, प्रतिरोध की बात हुई है रेसिस्टेंस की। तो अगर आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध मान लीजिए दिए जाते हैं, 1 ओम 1 ओम उसके बाद 1 ओम, 3 प्रतिरोध है, तो इसका जो अगर मैक्सिमम पूछता दोस्तों, तो 1+1+1 3 ओम हो जाता है श्रेणी क्रम के मदद से। ठीक है, अगर यहाँ पे न्यूनतम पूछा जाता है तो आपको ये समांतर क्रम में पूछा मतलब बताना होगा समांतर क्रम में, तो ये हो जाएगा दोस्तों जितना रहता है 1/3। ठीक है, तो इसका 1/3 ओम हो जाएगा अगर समांतर क्रम से इसका वैल्यू निकालोगे तो। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 6 का D, 1/3 ओम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको मैक्सिमम पूछा जाता है तो आप श्रेणी क्रम से निकालोगे, अगर आपको न्यूनतम पूछा जाता है तो आप समांतर क्रम से निकालोगे। ठीक है, तो 6 का D। 7 नंबर है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि दिए गए परिपथ में
ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, मतलब ए और ये बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। 2 ओम दिया गया है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है। अगर इसको हम खींचेंगे दोस्तों तो देखिए ये दोनों जो है आपका सीरीज में आ जाएगा और ये दोनों भी सीरीज में आ जाएगा, और ये जितना आएगा इसका वैल्यू तो दोनों ये पैरेलल में हो जाएगा। देखिए 2 प्लस 2, इधर भी 2 प्लस 2, तो ये 4 ओम और इधर भी 4 ओम, तो ये दोनों जो है पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 + 1/4 जो करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 2/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4/2, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों आपका 2 ओम हो जाएगा। निकालोगे दोस्तों तो निकल जाएगा 7 का ए आपका सही उत्तर है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इस दोनों को यहाँ पे खींचना है आप लोगों को, ये दोनों श्रेणी में आ जाएगा और उसके बाद दोनों को अगर जोड़ोगे एडिंग करोगे तो ये दोनों जो है आपका पैरेलल में आ जाएगा, तब आप लोग निकाल सकते हो 4 + 4, तो ये 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक कितना होता है। तो ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों ये होता है एम्पियर मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 8 का C। देखिए इंग्लिश मीडियम जितने भी छात्र हैं दोस्तों आप लोग प्लीज़ जाके मोबाइल ऐप में पढ़िए दोस्तों, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज के साथ साथ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है, तो जाके आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। जल्द ही उसमें अपडेट कर दिया जाएगा, वहाँ पे धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। तो 8 का C उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर पर एम्पियर मीटर। नेक्स्ट है दोस्तों कि चुंबकशीलता की जो बीमा है वो क्या होता है। पहले था विद्युत फ्लक्स, अब आता है चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता का जो डायमेंशन फॉर्मूला है दोस्तों वो आपको बताना है, तो ये हो जाता है ML(t^-2)I^-3, तो यहाँ पे 9 का C उत्तर आपका बी हो जाएगा, ML(t^-2)I^-2, ठीक है। 10 नंबर है कि एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तब चुंबकीय आघूर्ण होगा। बहुत बार क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया है दोस्तों, देखिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, इसका मतलब समझ रहे हैं कि 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2017 में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए हैं उन्हीं में से 2020 में, 2021 में आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों को पूछे गए हैं अगर पढ़ लेते हो तो आराम से आप लोगों को 90% जो है नंबर आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। यदि वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव m है, यदि धारा के लूप आधी कर दी जाए त्रिज्या, तो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा दोस्तों वो हो जाता है आपका M/4, तो याद रखिएगा 10 का C हो जाएगा M/4, बहुत बार ये मैंने बता भी दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर दोस्तों बोला जा रहा है कि तांबा जो है एक क्या है। तो तांबा जो है दोस्तों एक आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, बहुत बार मैंने ये भी बता दिया है 11 का A। 12 है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है कहाँ पर, तो ये होता है दोस्तों आपका चुंबकीय निरक्ष पर, बहुत ही बार ये मैंने बता दिया है, 12 का आपका D हो जाएगा। 13 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 13 और 14 बोला जा रहा है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत जो आधारित है वो किस पे है। तो डायनेमो के कार्य का जो सिद्धांत आधारित है दोस्तों वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 13 का आपका बी हो जाएगा। 14 है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को जो कहते हैं दोस्तों वो बोलते हैं फैराडे का नियम, क्योंकि यहाँ पर माइकल फैराडे ने ही दिया था ये नियम डायनेमो के कार्य का सिद्धांत, इसलिए फैराडे का नियम भी बोलते हैं। तो 14 का C उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है दोस्तों, बोला जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात है B/E का जो मात्रक होगा वो कितना होगा। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, इसका आप लोगों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो जो भी छात्र जानते हैं इसका जवाब जरूर कॉमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर बोला जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण जो है अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है कहाँ पे। पूर्ण आंतरिक TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, के लिए क्रांतिक कोण जो है अधिकतम होता है कब, जब किरण जाती है कहाँ से कहाँ। तो ये कांच से जो है पानी में जब जाती है तब क्रांतिक कोण जो अधिकतम हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो सही उत्तर यहाँ पर 16 का आपका सही उत्तर ए हो जाएगा, कांच से पानी में, ठीक है, सघन से विरल में। तो सही उत्तर यहाँ पर आपका 16 का ए हो जाएगा, कांच से पानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है तो किरण के मुड़ने को कहा जाता है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, बोला जा रहा है मान लो ये माध्यम है, यहाँ से आप दूसरा माध्यम में चला गया, ठीक है, ये मान लीजिए पानी था और ये हवा है, तो देखिए पानी से हवा में गया मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग अपवर्तन। तो सही उत्तर यहाँ पर 17 का C हो जाएगा, अपवर्तन।
18 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी, पावर कितनी होगी उस लेंस का। तो जानते होंगे दोस्तों, पावर निकालने के लिए आपको वन अपॉन एफ मतलब फोकस दूरी का व्युत्क्रम निकालते हैं, तो 100/20, तो यहाँ पे आपका 5 डायोप्टर हो जाएगा सही उत्तर, 5 डायोप्टर। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 18 का डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस लगा हुआ नहीं है फोकस दूरी में, तो ये आपका 5 डायोप्टर सही हो जाएगा, तो 18 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 19 जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वो क्या, कितने किसके समानांतर होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वो होता है ई क्रॉस बी के पैरेलल। ये जो आपका डी ऑप्शन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सही है दोस्तों। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वो ई क्रॉस बी के समानांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नज़र आता है। तो देखिए, ये हवा का बुलबुला जो है पानी के अंदर चमकते नज़र आता है दोस्तों, ये किस कारण से, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का सी। 21 है दोस्तों कि दो लेंस जिनकी क्षमता यहाँ पे -15 डायोप्टर तथा 15 डायोप्टर है, को समाक्षीय सटा कर रखने पर संयोजन की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, वो -10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे फोकस दूरी निकालोगे, जब दो लेंसों की क्षमता -15 डायोप्टर और यहाँ पे +15 डायोप्टर है, तो को समाक्षीय सटा कर रखने पर संयोजन की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, -10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये कुछ यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, 15 डायोप्टर के बदले यहाँ पे 5 डायोप्टर होगा, तभी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ये, नहीं तो यहाँ इसका मान जो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर आएगा जब इसको हम 5 डायोप्टर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर दोस्तों, कि खगोलीय दूरदर्शक में अंकित प्रतिबिंब को यहाँ पे होता है, खगोलीय दूरदर्शक, ठीक है, खगोलीय दूरदर्शक और सूक्ष्मदर्शी में अंकित प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों, काल्पनिक हो तो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सीधा, काल्पनिक और सीधा होता है सूक्ष्मदर्शी में भी और खगोलीय दूरदर्शक में भी। तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का बी। 23 है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार जो किया जाता है, तो आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, तो बेलनाकार लेंस तब प्रयोग करते हैं दोस्तों जब उस आँख में उस व्यक्ति को क्या कौन सा यहाँ पे रोग हो, तो ये होता है आपका अस्टिगमेटिज्म, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 23 का सी हो जाएगा, अस्टिगमेटिज्म, 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 24 नंबर है दोस्तों, बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा जो मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है ईवी, तो ये जो मापा जाता है दोस्तों ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा का यहाँ पे मात्रक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 24 का डी। 25 है कि अल्फा कण है, तो अल्फा कण जो है दोस्तों वो क्या है एक तरह से, तो ये है आपका हीलियम का एक नाभिक। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 का सी हो जाएगा, हीलियम का नाभिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर की, बीटा किरणें होती है तीव्रगामी, बीटा किरणें बीटा रेज जो होती है दोस्तों वो तीव्रगामी क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो सही उत्तर यहाँ पे 26 का सी। 27 है कि निम्नलिखित में से किसके लिए वेधन क्षमता महत्तम है, वेधन क्षमता किस किरणों का जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है जो, तो वेधन क्षमता, तो ये होता है आपका दोस्तों गामा किरणें का, याद रखिएगा गामा किरणें का वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। 28 नंबर जो दोस्तों बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से मूल कण जो नहीं है, तो मूल कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है, लेकिन अल्फा कण जो है आपका पार्टिकल, मूल पार्टिकल नहीं है, मूल कण नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ पे 28 का सी। 29 है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़े कंट्रोलर रोड्स जो बनी होती है वो किसकी, तो वो होता है दोस्तों आपका कैडमियम की। तो सही उत्तर यहाँ पे 29 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, इसी तरह के आप लोग को बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सभी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने किया, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन और बनेंगे दोस्तों मैं आप लोग को वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं आप लोग को देने वाला हूँ, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी ऑफिशियल न्यूज़ आते हैं इस चैनल पर आप लोग को देखने को मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, मोरल सेट पर उनको डाउनलोड कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखते रहिए इस चैनल को।
दोस्तों क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व के मैथ्स के साथ साथ अब अलेवंथ और ट्वेल्थ के फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी वीडियो सोल्यूशन पाइए डॉट नेट के व्हाट्सअप नंबर 8400400400 पर। किसी भी तरह का प्रश्न फोटो खींच के भेजिए दोस्तों, वीडियो सोल्यूशन पाइए कुछ ही सेकंडों के अंदर, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे